नमस्कार दोस्तों, कथा मंच में आपका स्वागत है। आज मैं आपको भारतीय महाकाव्य महाभारत से एक कथा सुनाने जा रहा हूँ। महाभारत में जब युधिष्ठिर जुए में अपना सब कुछ गंवाकर वनवास कर रहे थे, तब धर्मराज युधिष्ठिर के कहने पर महर्षि बृहदश्व ने यह कथा पांडवों को सुनाई थी। कथा के अनुसार निषाद देश में वीरसेन के पुत्र राजा नल राज्य करते थे। वे बड़े गुणवान, सुंदर, सत्यवादी थे, साथ ही वे वीर योद्धा, उदार और प्रबल पराक्रमी भी थे। लेकिन उन्हें जुआ खेलने का भी शौक था। उन्हीं दिनों विदर्भ देश में भीम नाम के एक राजा राज्य करते थे। उन्होंने दमन ऋषि से वरदान स्वरूप 4 संतानें प्राप्त की थी, 3 पुत्र और एक कन्या जिसका नाम दमयंती था। दमयंती रूपवती थी, उसकी सुंदरता के चर्चे पूरे विदर्भ में फैले हुए थे। निषाद देश के राजा नल ने भी दमयंती की सुंदरता का वर्णन सुन रखा था। इधर दमयंती भी राजा नल की उदारता, वीरता और पराक्रम के किस्से सुन चुकी थी। एक दिन राजा नल ने अपने उद्यान में एक हंस को पकड़ लिया। हंस ने कहा, आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं दमयंती के पास जाकर आपके गुणों का ऐसा वखान करूंगा कि वह आपको अवश्य वर लेगी। नल ने हंस को छोड़ दिया। हंस उड़कर विदर्भ देश पहुंचे। उन्होंने दमयंती से कहा कि निषाद देश का राजा नल, जो अश्विनी कुमारों से भी ज्यादा सुंदर है, मनुष्यों में उसके समान कोई सुंदर नहीं है। वह मानो स्वयं कामदेव का ही रूप है। यदि तुम उसकी पत्नी हो जाओ तो तुम्हारा जन्म और रूप दोनों सफल हो जाएंगे। जैसे तुम स्त्रियों में रत्न हो, वैसे ही नल पुरुषों में भूषण है। तुम दोनों की जोड़ी बहुत सुंदर होगी। दमयंती ने हंसों से कहा कि अगर ऐसा है तो फिर जाओ और राजा नल को भी ऐसे ही बात कहो। दमयंती हंस के मुंह से राजा नल की कीर्ति सुनकर उनसे प्रेम करने लगी। उसकी आसक्ति इतनी बढ़ गई थी कि वह दिन रात उनका ही ध्यान करती रहती। शरीर धूमिल और दुर्बल हो गया, वह दीन सी दिखने लगी। उसकी सखियों ने उसके हृदय का भाव जानकर यह खबर राजा तक पहुंचाई। राजा को एहसास हो गया था कि उनकी पुत्री विवाह योग्य हो गई है, इसलिए उसका स्वयंवर कर देना चाहिए। दमयंती के स्वयंवर में ना सिर्फ केवल धरती के तमाम राजा राजकुमार उपस्थित हुए, साथ ही देवता भी स्वयंवर में शामिल हुए। स्वयंवर में देवताओं ने जब राजा नल को देखा तो उन्हें लगा कि निश्चित ही दमयंती राजा नल को ही अपना वर चुनेगी। इसलिए देवताओं ने राजा नल का ही रूप धर लिया, जिससे दमयंती को राजा नल को पहचानने में दुविधा हो। देवताओं ने जब राजा नल का रूप रख लिया तो स्वयंवर में एक साथ कई नल खड़े थे। सभी परेशान थे कि असली नल कौन है, लेकिन दमयंती जरा भी विचलित नहीं हुई और उसने आंखों में झलकते भावों से ही राजा नल को पहचान लिया। इस प्रकार दोनों जीवन साथी बन गए। समय बीत रहा था, दोनों के दो सुंदर गुणवान बच्चे भी हो गए। समय सदा एक सा नहीं रहता है, सुख दुख का चक्र निरंतर ही चलता रहता है। राजा नल में एक दोस्त था, जुए की लत। नल के एक भाई का नाम पुष्कर था। उसने राजा नल को जुआ खेलने के लिए आमंत्रित किया। खेल प्रारंभ हुआ। उस दिन भाग्य प्रतिकूल था, राजा हारने लगे। सोना, चांदी, रथ, राजपाट सब हाथ से निकल गया। बच्चों को ननिहाल पहुंचा दिया गया और स्वयं पत्नी के साथ एक एक वस्त्र पहने नगर से बाहर निकल गए। एक दिन राजा नल ने सोने के पंख वाले कुछ पक्षी देखे। राजा नल ने सोचा, यदि इन्हें पकड़ लिया जाए तो जीवन निर्वाह आसान हो जाएगा। ऐसा सोचकर अपना वस्त्र पक्षियों पर फेंका, किंतु पक्षी वस्त्र लेकर ही उड़ गए। अब राजा नल के पास तन ढकने के लिए भी कोई वस्त्र नहीं बचा था। नल अपनी अपेक्षा दमयंती के दुख के कारण अधिक व्याकुल थे। एक दिन दोनों जंगल में एक वृक्ष के नीचे एक ही वस्त्र में तन छिपाए पड़े थे। दमयंती को थकान की वजह से नींद आ गई। राजा ने सोचा, दमयंती को मेरे कारण दुख सहन करना पड़ रहा है। यदि मैं इसे इसी अवस्था में छोड़कर चला जाता हूँ तो ये किसी तरह अपने पिता के पास पहुँच जाएंगे। यह विचार कर उन्होंने तलवार से उसकी आधी साड़ी को काट लिया और उसी से अपना तन ढककर दमयंती को उसी अवस्था में छोड़कर चल दिए। जब दमयंती की नींद टूटी तो बेचारी अपने को अकेला पाकर करुण विलाप करने लगी। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह अचानक अजगर के पास चली गई। अजगर उसे निगलने ही वाला था कि दमयंती की चीख सुनकर एक शिकारी ने उसे अजगर से बचा लिया। किंतु शिकारी स्वभाव से दुष्ट था। उसने दमयंती के सौंदर्य पर मुग्ध होकर उसे अपनी कामपिपासा का शिकार बनाना चाहा। दमयंती ने उसे श्राप देते हुए कहा कि
यदि मैंने अपने पति राजा नल को छोड़कर किसी अन्य पुरुष का कभी चिंतन किया हो तो इस पापी शिकारी के जीवन का भी अंत हो जाए। दमयंती की बात पूरी होते ही शिकारी की मृत्यु। देवयोग से भटकते हुए दमयंती फिर तेजु नरेशवाहु के पास और वहाँ से अपने पिता के पास पहुँच गई। अंततः दमयंती के सतीत्व के प्रभाव से राजा नल के दुखों का भी अंत हुआ। दोनों का पुनर्मिलन हुआ और राजा नल को उनका राज्य वापस मिल गया। तो ये थी नल दमयंती की कहानी। और ऐसी ही कहानी कथाओं के लिए सब्सक्राइब करें कथा मंच।